हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पपी पावर्स। सो टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा वीडियो किस चीज के बारे में है। सो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इसलिए हम आपकी हेल्प करेंगे कि नेल्स कैसे काटना है आपके डॉग्स के और उनके ईयर्स क्लीन कैसे करना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, अब मैं आपको लेके चलूंगी आशु के पास। आशु लीजा के नेल्स कट करके आपको डेमो ये थोड़ा सा यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैं आपको लीजा के पास लेके चलूंगी और आशु के पास, लीजा के नेल कट करके वो आपको डेमो देगा कि नेल्स कैसे, गाइज नेल्स कैसे कट करने हैं, वो आपको हर एक डिटेल उस टाइम एक्सप्लेन करेगा। सो चलते हैं हम उसके पास। ओके, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके डॉग को सबसे कंफर्टेबल प्लेस जो उसको लगती है वहाँ पे आप ले जाओ, ठीक है। सेकंड थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट थिंग वुड बी ट्रीट्स, जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेप्टिक पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैंने बीटाडिन लोशन ले लिया है, कॉटन एंड द नेल कटर, ठीक है। आप उसे ट्रीट्स देते रहो, उससे क्या वो काम क्वाइट रहेगा। जैसे देख लो लीजा आराम से बहुत मस्त बैठी हुई है। लीजा के जो नेल्स है ना वो सारे के सारे बड़े नहीं है, एक दो नेल्स हैं जो कि थोड़े से बड़े हैं, तो आपको वो काट के बता दूंगा कि आपको कैसे कहाँ से ट्रिम करना है। डॉग्स को कंटिन्यूस ट्रीट देते रहना, उन्हें काम कर देना, तभी जाके वो लेट जाएंगे, ठीक है। दिस इज द नेल, ठीक है। इस नेल के अंदर आपको एक पिंकिश सा एरिया दिख रहा होगा, ये जो पिंकिश सा एरिया ये क्विक है, यहाँ आपको यहाँ से कम से कम आधा इंच दूर रखना है तभी आपको नेल ट्रिम करना है। नेल आपको तब ट्रिम करना है या तो ऐसे साइज के हो जाए या किट किट आवाज़ आने लग जाए जब फ्लोर स्लो चल रहे होंगे तब, ठीक है। सो हेयर इज आर नेल कटर, हेयर इज आर लीजा, और लीजा अब जल्दी से नाखून कटवा लेगा। ओके, लीजा ये वाला पाँव दो, ये वाला पाँव दो, ठीक है। ओहो, लीजा कंफर्टेबल नहीं है अभी। लीजा आपने लिया पाँव, इट्स वेरी हार्ड समटाइम्स, ठीक है। ये आपने नेल पकड़ा, ये कोने का हिस्सा लीजिए एंड कट, दैट्स इट, इजी। मेक हर कंफर्टेबल, मेक हर कंफर्टेबल फर्स्ट। ये लीजा का नेल है, ये क्विक है, ठीक है। आपको क्विक दिख गया होगा, ये क्विक के आगे का पोर्शन है जो अपन काट सकते हैं, ठीक है। आप इसमें आराम से अंदर जाइए, डन। आपको दिख रहा होगा ये जो नेल है ये इससे आधा इंच ऊपर कटा हुआ है, ठीक है। सो आपको हर नेल को इतना ही ट्रिम करना है, हरदम क्विक से आधा इंच आगे, ठीक है। तो इस चीज़ पर प्लीज ध्यान रखना। ओके, लीजा वैसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी अपने नेल्स कटवाने के अंदर, शायद वो लाइट की वजह से, वीडियो शॉट या थोड़ा सा लग रहा था एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमने जितने नेल्स काट सकते थे हमने काट लिए, ठीक है। गिव देम ट्रीट्स एट द एंड ऑफ एवरी नेल कट, क्योंकि उन्हें रहे कि हाँ ठीक है हम ट्रीट लेते हैं, कि जब हमारे नेल्स कट जाते हैं उसके बाद हमें ट्रीट मिलती है, तो आप अगर ट्रीट्स देते रहोगे सो दे विल बी कंफर्टेबल एंड शी इज नॉट, नो शी इज, शी इज। आपको हरदम उन लोगों को कंफर्टेबल कराना पड़ेगा ऐसे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वो आसानी से नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो जो नेक्स्ट क्लिप आप देखने वाले हो स्नो के एयर क्लीन करने वाली, उसमें मैं आपको ऑलमोस्ट कट दिखूंगी, जस्ट बिकॉज स्नो ने अपनी प्लेस चेंज कर ली थी, सो मुझे दूसरी जगह बैठना पड़ा। सो फ्रेम मेरे पे नहीं है, ऑब्वियसली मेरे पे होने की जरूरत भी नहीं है, जो चीज आपको दिखानी है वो उस फ्रेम में आपको दिख जाएगी। एंड स्नो उन लोग उन डॉग्स में से है हमारे घर में जो ऑलमोस्ट हर चीज से डरती है, सो आपको उसका फियर भी उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा उस क्लिप में एक्चुअली। सो नेल्स आपने देख लिए हैं, ऑब्वियसली आपको हम सारे नेल्स इसलिए नहीं दिखा पाए जस्ट बिकॉज सारे नेल्स उसके बड़े थे भी नहीं, और वो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार उठ रही थी, तो हमने आपको डेमो तो दे ही दिया है। इनकेस अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो हम दोबारा वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। कोई चीज़ दिखाती हूँ, हमारी जो स्नो है ना ये नेल्स कटवाती तो है नहीं, क्योंकि इसको फियर है थोड़ा सा, नेल कटर देखते हैं ना इसको इसको नहीं पसंद आता, लेकिन अभी ये है ना खुद के नेल्स खुद कट कर रही है, क्योंकि जब इसको खुद को बॉदर होता है ना तो ये अपने नेल्स खुद कट करने लग जाती है। सो यूजुअली डॉग्स ऐसा भी करते हैं, और अगर आप कच्चे में घुमाओगे ना तो भी नेल्स है ना छोटे हो जाते हैं डॉग्स के। एयर क्लेंजर भी बोलते हैं इसको, मैं जो यूज कर रही हूँ मैं लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, सॉरी। सो हमें ये चाहिए होता है, एंड देन वी नीड कॉटन, ऑब्वियसली आप कॉटन बॉल्स भी ले सकते हो, जो कॉटन बॉल्स आती हैं, कॉटन के पैड्स भी आते हैं छोटे होते हैं स्क्वायर शेप में, आप वो भी यूज कर सकते हो। सो जो प्रोसेस है ईयर क्लीन करने का,
स्नो वैसे है ना, ये कॉटन खुलते ही और ये बॉटल में से लिक्विड निकलते ही देखना, भाग में कोशिश करेगी, बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगी। जो हमारे डॉग्स होते हैं ना, इनकी यहाँ पे कैनाल होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है यहाँ ईयर में, है ना। सो एक्चुअली में द थिंग इज, आपको जो आपके घर में कोई है तो आपको हेल्प की नीड पड़ेगी ईयर क्लीन करने में, जस्ट बिकॉज डॉग्स यूज टू नहीं होते, लिक्विड जाता है यार कोई भी, मतलब है ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। स्नो एक हैवी ब्रीड्स में भी काउंट होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैवी ब्रीड्स को बहुत प्यार से टॉलरेट करो, ये बहुत जोर लगाते हैं, भागने लग जाएंगे, संभल में नहीं आते। एंड बेटर जो घर में सबसे ज्यादा क्लोज हो वो अगर ये चीजें करें तो अच्छा रहेगा। तो अब आशु इसे थोड़ा हैंडल करेगा क्योंकि ये भगती है मुझसे और फिर पकड़ में नहीं आती है। अभी हम यही कर रहे थे, इसको बड़ी मुश्किल से बैठाया पकड़ के। आशु मेरी हेल्प करेगा इसे यहाँ पे बैठाने में, एंड देन आई विल शो यू गाइस कि ईयर क्लीन करने के लिए प्रोसेस क्या है। यस, सो लेट्स स्टार्ट। जो नो दैट वन, सो हमें क्या करना है, जो ईयर होता है, ओके रिलैक्स रिलैक्स, जो ईयर होता है उसे जेंटली पुल करना है, आराम से, मतलब खींचना नहीं है बिल्कुल भी, उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हम, जेंटली पुल करना है एंड देन उसको ऊपर तक फिल करना है इस लिक्विड से। आई होप आपको दिख जाए, नहीं दिखेगा बट आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करना चाह रही हूँ। देखो थोड़ा ऐसे ग्रैब करना पड़ेगा हमें, सो मैं अब आपको दिखाती हूँ। कॉटन अपने साथ रखिएगा, जेंटली, नो इट्स ओके, जेंटली पुल करना है एंड देन अगर आपका डॉग ऐसा है तो क्विकली डाल के ऐसे आप रब कर लो, बस उसको ऐसे ऐसे रब करना है। आपको ना आवाज आएगी जैसे पानी की आवाज आती है, कच 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 की, सॉरी वो आपको आवाज आएगी। देन हमने रब कर दिया, अब उसके बाद कॉटन से हम क्लीन करेंगे। कॉटन से क्लीन आराम से करा लेती है, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज लिक्विड वाला पार्ट, जहां वो इसके कान में जाता है तो ये थोड़ी सी हो जाती है। बड़े मजा, एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग। ईयर्स क्लीन कराना, वैसे डॉग क्लीन कराना डॉग्स को बहुत पसंद है वैसे तो। एंड दैट्स द डर्ट जो उसके कान में से निकली है, एंड यस वो ऐसे करेंगे आफ्टरवर्ड्स, सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप ऐसे ही सेम आपको दूसरा क्लीन करना है। लेट मी ट्राई, अगर ये मेरे को करने देती है तो आई विल बोलना सुन, ये ऐसे चल 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 चल, एंड देन ऐसे मसाज करना है। अभी मैं कॉटन की दूसरी साइड से जो क्लीन है डन, गुड बेबी। एक्चुअली आपको रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है, अदरवाइज आपके डॉग के ईयर में ना इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक नॉर्मल अपन अपने ईयर क्लीन करते हैं, सेम हमें इनके भी ईयर क्लीन करने होते हैं। सो आपने देख लिया होगा, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ईयर क्लीनिंग और नेल कटिंग। इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है कि नहीं हमें ढंग से नहीं समझ आया ये वो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। हम ना नेक्स्ट वीडियो में एक काम करेंगे, आपके लिए नेल कटिंग और ईयर क्लीनिंग का एक अलग से एक शॉर्ट कर लेंगे। हम उसमें कुछ डिटेल नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो हम इस वीडियो में कर चुके हैं, हम सारी चीज़ें बता चुके हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होती है। सो यस, और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वापस हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाना है। सो वी विल ट्राई एंड डू इट, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।